नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं विदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। सत्ता के ऐतिहासिक परिवर्तन के तहत आंग सू की के सहयोगी हतन क्याव ने म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में बुधवार को शपथ ली। म्यांमार की संसद ने क्याव को 15 मार्च को करीब आधी सदी बाद देश का पहला असैनिक राष्ट्रपति चुना था। पूर्व में सैन्य शासन के अधीन रहे देश के राजनीतिक इतिहास में ये एक नया मोड़ है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्र तट से कम दूरी की एक और मिसाइल का परीक्षण किया। ये जानकारी दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने सेना के एक अधिकारी के हवाले से दी है। मिसाइल उत्तर कोरिया के बोनसन कस्बे से प्रातः 5:40 पर दागी गई। मिसाइल 200 किलोमीटर तक जाने के बाद समुद्र में गिरी। रूस में कजाकिस्तान के मल्टी बिलियनेयर मिखाइल गुस्तेरिव ने बेटे की शादी में जमकर पैसा बहाया। 28 साल के सईद गुस्तेरिव ने हाल ही में 20 साल की खादीजा उझाखोवा से शादी की है। इसे दुनिया की पहली $1 बिलियन वेडिंग बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें $1 बिलियन यानी 6,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अलेक्जेंड्रिया से काहिरा आ रहे इजिप्ट एयर के एक प्लेन को मंगलवार को एक प्रोफेसर ने हाईजैक कर लिया। करीब 6 घंटे होस्टेस ड्रामा चला। इसके बाद उसे साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया। हाईजैकर के पास कोई हथियार नहीं था, वो सिर्फ सुसाइड बेल्ट बना होने की धमकी देकर होस्टेस ड्रामा चलाता रहा। एक्स वाइफ से मिलने और उसे लेटर देने की सनक में उसने प्लेन हाईजैक कर लिया। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवारी के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि परमाणु हथियारों से संपन्न पाकिस्तान बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को इस स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत है। विस्कॉन्सिन में एक टाउन हॉल के दौरान ट्रंप ने बताया, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या है और वो हमारे लिए वाकई बहुत अहम देश है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। उन्हें उनकी स्थिति पर नियंत्रण पाना होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश।